नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी गुप्ता। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में योगी सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन इस कड़ी से प्रसपा कार्यालय से राजभवन और जीपीओ तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रसपा का हल्ला बोल प्रदर्शन जोरों शोरों से रहा। प्रदेश भर से प्रसपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर प्रसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सदफ फातिमा व प्रसपा महिला सभा के अध्यक्ष अर्चना सिंह राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की नीति बताया। साथ ही तीन तलाक पर बिल पास करने के फैसले को सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए लिया गया फैसला बताया, जबकि दूसरे धर्म में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर किसी तरह की सकारात्मक निर्णय न लेना तुष्टीकरण की राजनीति बताया। साथ ही प्रदेश में उजागर गरीबी, अशिक्षा, किसान से संबंधित समस्या, भ्रष्टाचार जैसी 21 सूत्रीय मांगों पर हमारे चैनल संवाददाता खुशी आलम ने बातचीत। देखे रिपोर्ट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जो प्रदेश सरकार है उसके खिलाफ जमकर मोर्चा खोला गया है, भ्रष्टाचार को लेकर के, 21 सूत्री मांगों को लेकर के। लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश भर से दसियों हजार की संख्या में जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सहयोगी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सदफ फातिमा जी जुड़ चुकी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये प्रदर्शन जारी रखा है और किस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे मोर्चा खोल रखा है और किस तरीके से वो आगे किस तरीके से तमाम रणनीति को बनाती हैं। मैम बताएं कि आज जो ये प्रदर्शन है क्या कुछ इसका विषय है, किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? देखिए, अगस्त क्रांति दिवस के पूर्व दिवस के ऊपर हम लोगों ने देश को जो लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि अराजकता व्याप्त हो गई है, उस अराजकता के खिलाफ, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, आपने देखा है उन्नाव की पीड़िता के साथ में किस तरह से हुआ है, और गौ रक्षा के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं गांव की, क्योंकि उन्हें गड्ढों में रखा जा रहा, वहां उन्हें खाने पीने को भी नहीं मिल रहा, भूख प्यास से वो गायें मर रही हैं, और दूसरी तरफ गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गन्ना किसानों का बकाया है, हजारों करोड़ बकाया गन्ना किसानों का है। इसके साथ में ही आप देख रहे हैं दाल की कीमत 90 रुपये पहुंच गई। आज आपने सोना देखा कि लगभग 38,000 के पास पहुंच गया, 37,920। और खुद सुरेश खन्ना जी ने विधानसभा में बताया कि अब तक, ये पूरे साल की नहीं है, मात्र मई से लेकर अब तक 800 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, यहाँ पर किसान, मजदूर, नौजवान, यहाँ तक कि जिस गौ रक्षा की बात ये कर रहे हैं उन गायों की भी हत्या हो रही है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और सोनभद्र में जो नरसंहार हुआ था उसके सभी अपराधियों को जेल भेजने के लिए इस सरकार के खिलाफ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने इस न्याय दिवस, न्याय क्रांति के लिए बिगुल बजाया है, और उनके आह्वान पर प्रदेश के कोने कोने से आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक सरीसर नजर आ रहे हैं, इंसानों का विशाल जनसैलाब उबड़ा है, और हम लोग तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, तब तक हम लोग न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रदर्शन की कड़ी में हमारे साथ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुकी हैं। मैम ये बताइए कि किस तरीके से आप अपनी मांगों को सरकार से कह रही हैं या क्या कुछ है, बताएं जरा। हम सरकार से, जो आप ये देख रहे हैं चारों तरफ अत्याचार और यानी एक ऐसा व्यावर्त सा दिखाई देता है जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने को महसूस नहीं समझ, सुरक्षित नहीं समझ पा रहा, विशेषकर महिलाएं इस उत्पीड़न को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान, जगह जगह कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, तो कहीं उनके पतियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, मतलब यानी एक बाधा हो तो बताएं, वो जब पढ़ने जाती हैं तो सुरक्षित नहीं समझती हैं, वो काम करने जाती हैं तो सुरक्षित नहीं समझती हैं, उन समस्त समस्याओं को लेकर। और आप देख रहे हैं कि पानी की वर्षा कम हो रही है, किसान परेशान है, पानी मिल नहीं रहा है, सरकारी ट्यूबवेल
बंद पड़े हुए हैं और विशेषकर पानी की समस्या इतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इस समय हावी हो रही है कि लोग परेशान हैं और किसान क्या खाएगा। इसके तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बात करी जिनका सभी तरीके से कहना है कि प्रदेश में जो योगी सरकार है उस सरकार में पूरी तरीके से आरोप लगाते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं पे तमाम तरीके की बुनियादी जो व्यक्ति विशेष से जुड़ी ज़रूरतें हैं उन पे काम ना करके धर्म जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर योगी सरकार काम कर रही है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का भी काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जिसान के साथ मैं खुर्शीद आलम, अलाइव 24 न्यूज़, लखनऊ। ये थी हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज़। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।